राम राम जी सारे ने, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कुल की टॉप स्टोरीज पर। हम सब बहुत अच्छे हैं और उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे होंगे, ठंड से बच रहे होंगे और खूब सर्दियों को एंजॉय कर रहे होंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के व्लॉग की। तो सबसे पहले तो अपने पूर्वजों ने याद करने का आज बहुत अच्छा दिन है। आज अमावस्या का बहुत ही पवित्र दिन है। तो मैं नहा धो के किचन साफ सफाई करके गाय की रोटी निकाल रही हूँ। महीने में एक दिन अपने लिए तो रोज करते हैं, अपने पूर्वजों को याद करते हैं हम एक दिन, तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि डेली रूटीन का सेम बोरिंग रूटीन। तो जो नहीं भी मानते, मतलब नहीं बिलीव करते इन चीज़ों में, उनके लिए भी एक दिन कुछ अलग करने का है ना, रूटीन से थोड़ा सा हट के करते हैं हम काम, तो अच्छा लगता है वो। तो आप भी बताना, आपके यहाँ भी अमावस्या निकालते हैं क्या? और मैं खीर बनने रख रखी है, रोटी बना दूँगी जल्दी जल्दी। फिर गाय का सबसे बड़ा काम तो है यहाँ गाय ढूंढनी, क्योंकि गाय जल्दी से मिलेगी नहीं। मिले तो क्या पता भी घर के बाहर भी आ जाए, और ना मिले तो क्या मेरा पूरा गांव की फिरनी का चुगर तो कालना पड़ जाए। ऐसा सिस्टम है गाय का, टाइम पर ना भी आवे कि मेरा सारा दिन बैठी रहना बार बार ना आके, ऐसा ही है। और दीवा कई जगह तो खेत में बना देते हैं, मंडी मंडी बोलते हैं जिसको, लेकिन यहाँ तो भी घर पे लगाया कर हम तो, क्योंकि गांव में थे जब वहाँ माता जी भी घर पे लगाया करती, वहाँ भी कभी खेत में नहीं लगा के दीवा, तो हम भी घर पे लगा दे। हाँ बने रही हो सारा काम करके। मैं थोड़ी देर सोचे छत पर चली जाऊँ, आज इतनी अच्छी धूप निकल रही है, और धूप निकलते इन्हों लागे हैं गई ठंड तो, ये दो दिन ना निकले तो ऐसा लागे है राम की बार तो मार दिए जमाए मेरा ने की करके छोटा गया, तो नू हो जे है। तो आप गिल भी सही हुआ है कि बताइए जरूर कमेंट में। और गाय आज मिल गई थी बिल्कुल घर के बाहर आ गई थी, तो जो क्या करें नहीं को कई बार तो आया करा वार में वार, और कई बार बढ़ता काम में इसे फटाफट हो जाए करें सारे काम, तो आज मेरे फटाफट हो गए सारे काम। और धूप निकल गई कल के कपड़े में, कल जो कपड़े धोए थे वो आज धूप में डाल दिए। और कुछ फ्रूट रखे थे जैसे संतरा, तो ये वैसे धूप तो खाए नहीं जाते। दिन है आप भी कर लो दर्शन सूर्य देवता के, कि फिर आपको डल्ले कट रहा होगा ना। तो वेट की धूप में आया यार हम, तो थोड़ी देर में खा और एडिटिंग वगैरह कर लूँगी। धूप में बैठे बैठे मेरे एक बात ध्यान में आएगी नू आज बहुत साइज का कारण है कि विश्वास और अंधविश्वास की। धूप पे धरती पर नू का सारी चीज़ है, सारी चीज़ है तो भगवान भी है, मतलब ऊपर तो भगवान ने है, फिर भगवान तो ऊपर तो कुछ नहीं। तुम्हें कहते हैं भाई तरफ पंडित का चले जा हुआ है, तो मेरा तो मानना यो ही है कि सबसे बड़े पंडित हैं आपा खुद। जितना हम अपने बारे में जाना है ना, इतना कोई नहीं बता सकता अपने घर परिवार के बारे में। तो चले जाओ पंडित है कि तो पंडित जाओगे तो कुछ तो कहेंगे, तारी बार ली रूस रही है अगर तारी पत्थर रूस रहे हैं भाई, कुछ तो कहेंगे वे पूछेंगे तो आपा। अरे थोड़े देखो दुख सुख तो क्या करें, जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं भाई, आवे हैं सबका जीवन में आवे हैं, टाइम सबका बदला है, तो उन्होंने क्या करें कि सारा टाइम एक सा नहीं होता। तो मेरा तो मानना यही है भाई विश्वास तो करो सब चीज़ों में, बट अंधविश्वास में तो कदे भी ना बढ़ो। उन्होंने क्या करें छाने और घर खाने, ये पंडित छाने एक तो इनका बेरा नहीं, कौन पंडित है कौन छाना है। तो मेरा तो यही मानना है सच्चे मन से अपने कर्म करते रहो, चाहे वो भगवान न मानो चाहे मत मानो, मैनू नहीं कहती मानो ना भी मानो, लेकिन बस कर्म अच्छे करते रहो,
सबसे बड़े तो यही है, कोई जरूरी नहीं है कि सुबह आधा एक घंटा आप पूजा पाठ ही करा जब भगवान बन गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने मन की शांति के लिए जो ठीक लगे वो कर लो, लेकिन नू नहीं, वो रूल नहीं होया करता कुछ भी कि नू करोगे तो नू, यो करोगे तो यो। और भगवान का भी अपना सिंपल सा एक फंडा है कि भगवान ने देखो ऐसा बना रखा है सब कुछ कि पैसे से हम खुशी को नहीं खरीद सकते, कि ये नहीं है कि 1 रुपये में इतनी खुशी मिल जाएगी, 100 रुपये में इतनी मिल जाएगी, 1 करोड़ में इतनी मिल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि देखो अब खुशी, देखो एक बच्चा 1 रुपये लेके इतना खुश हो जाए है जितना हम 10,000 लेके भी नहीं होते, और एक टॉफी के लिए बच्चा इतना खुश हो जाएगा। अपने तो कोई सुनने की चैन दे दी कि अगर आप जब भी वो खुशी आप मतलब नहीं अपने अंदर आ पावे तो यू ही है। तो आप बताइयो कि जो विश्वास और अंधविश्वास की बात मैंने करी है क्या वो ठीक है, या आपका कुछ और ओपिनियन है इस बारे में, जो और विचार है तो ज़रूर बताना। तो इसी के साथ आज के व्लॉग की एंडिंग यहीं करते हैं, और नए हो तो आप चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। धन्यवाद सबका।